नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्राइंडिंग व्हील के वेरियस एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ग्राइंडिंग क्या है। ग्राइंडिंग एक माइन्यूट मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होता है, जिसका मेन फंक्शन फिनिशिंग करने का होता है। सिंपल वर्ड में बात करें तो इट इज ए फिनिशिंग प्रोसेस, जिसका मेन फंक्शन होता है किसी वर्कपीस को क्लॉज टॉलरेंस तक लेके जाना, विद इन स्पेसिफिकेशंस तक लेके जाना। और ये जो फंक्शन करता है वो करता है एक व्हील शेप का, एक डिस्क शेप का पार्ट जो होता है वो ये फंक्शन करता है। तो जो डिस्क शेप का है उसके कंप्लीटली जो मेनली बनता है वो एब्रेसिव के पार्टिकल्स से बनता है। उन एब्रेसिव के पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है, जिनको ग्रेन्स बोला जाता है, और उन ग्रेन्स को आपस में चिपकाया जाता है बॉन्डिंग मटीरियल से। तो जो एब्रेसिव बने रहते हैं वो तो बने रहते हैं, दो टाइप के हैं हम समझे तो, जैसे नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में बात करूं मैं तो, मान लीजिए जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, इस प्रकार के मटेरियल से मिलकर ये बनते हैं। उनको चिपकाने के लिए बॉन्ड्स का यूज होता है, मींस सेलेक बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, इस प्रकार के बॉन्डिंग मटेरियल से इनको आपस में चिपकाया जाता है, और फिर इस तरह की शेप देख करके इसको यूज किया जाता है, और एक शाफ्ट के ऊपर इसको माउंट करके हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इसके वेरियस एलिमेंट्स, ग्राइंडिंग व्हील के वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट से मीनिंग समझे तो किन किन पार्ट से मिलकर एक ग्राइंडिंग का कंप्लीट व्हील बनता है, अब उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है एब्रेसिव पार्टिकल। एब्रेसिव पार्टिकल ग्राइंडिंग व्हील के, ग्राइंडिंग व्हील का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए ये सबसे हार्ड पार्टिकल होता है। जो हार्ड पार्टिकल है ये जो एब्रेसिव, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल एब्रेसिव और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल एब्रेसिव। यदि मैं नेचुरल एब्रेसिव की बात करूं तो उसमें होते हैं जैसे सैंडस्टोन है, या एमरी है, या क्वार्ट्ज है, या फिर डायमंड के हैं। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल टाइप एब्रेसिव के पार्टिकल्स। आर्टिफिशियल एब्रेसिव पार्टिकल्स की बात करूं तो सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं, ये होते हैं आर्टिफिशियल एब्रेसिव। अब जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव या फिर बात कर रहे हैं हम नेचुरल एब्रेसिव, इनको स्मॉल कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रशर जो होती है उस मशीन से इनको क्रश किया जाता है। तो जब क्रश किया जाता है तो वो बन जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, ग्रेन्स, और छोटे पार्टिकल्स की जो साइज होगी अकॉर्डिंग टू व्हील्स, अकॉर्डिंग टू व्हील शेप, तो वो हो जाएंगी उनकी ग्रेन की साइज। अब जो एब्रेसिव के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन एब्रेसिव के छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में चिपकाया जाता है ताकि ये कंप्लीटली एक फॉर्म गेन करे, ये एक शेप गेन करे ग्राइंडिंग का व्हील। तो उनको आपस में चिपकाने के लिए बॉन्डिंग के मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि इन एब्रेसिव के पार्टिकल्स को जो छोटे छोटे ग्रेन्स बन जाते हैं इनको आपस में स्टिक करने के लिए। तो कौन कौन से बॉन्डिंग मटेरियल्स होंगे, जैसे विट्रीफाइड टाइप बॉन्ड है, या फिर सिलिकेट टाइप बॉन्ड है, या सेलेक टाइप बॉन्ड है, या फिर रबर के बॉन्ड है। इस हिसाब से इनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिया जाता है कि कौन से एब्रेसिव के पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग के मटेरियल्स का यूज किया जाता है और इनको आपस में बाइंड किया जाता है, चिपकाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेड, कि कौन कौन से ग्रेड के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करते हैं ग्राइंडिंग के व्हील को, कि ये हार्ड ग्रेड का है या सॉफ्ट ग्रेड का है, तो उसको किस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो ग्रेड्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ग्रेड के अकॉर्डिंग मेनली हम दो तीन टाइप के लेते हैं, जैसे हार्ड टाइप होते हैं, जैसे मीडियम टाइप होते हैं, और सॉफ्ट टाइप ग्राइंडिंग के व्हील्स होते हैं। तो ये मेटल के अकॉर्डिंग रहते हैं, या मैं किसी सॉफ्ट मटेरियल पे वर्क करना है, किसी हार्ड मटेरियल पे वर्क करना है, या किसी मीडियम टाइप मटेरियल पे वर्क करना है। मान लीजिए सॉफ्ट टाइप मटेरियल पे वर्क करना है तो ग्रेड के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये खरीदे लिए जाते हैं।
जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, इन पे लिखा रहता है कि ये ए ग्रेड है। तो ए ग्रेड का मीनिंग क्या है, वो सॉफ्ट से है, उस पे लिखा नहीं रहेगा कि ये सॉफ्ट टाइप के ग्राइंडिंग के व्हील है। मीन्स ये ग्राइंडिंग के व्हील ए ग्रेड है, ए लिखा हुआ है, तो सॉफ्ट मटेरियल्स पे हम इसको यूज करते हैं। ऐसे ही जैसे मीडियम है तो उसके लिए होता है जे, जो हमारे अल्फाबेटिक लेटर्स हैं जे के एल एम, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। या फिर हार्ड टाइप की ग्रेड है तो उसके लिए डिफाइन किया जाता है एस टी यू वी। तो वो अकॉर्डिंग टू जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने अपने हिसाब से इसको क्लासिफाई किया हुआ है कि ए ग्रेड के सॉफ्ट में आते हैं, के ग्रेड के मीडियम में आते हैं, और हार्ड के एस ग्रेड में, मींस हार्ड ग्रेड वाले जो है उस पे एस डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेन साइज। जो ग्रेन साइज की मैं बात कर रहा था कि छोटे छोटे एब्रेसिव के जो पार्टिकल्स तोड़े जाते हैं तो उनको हम ग्रेन्स बोलते हैं। तो ये भी अकॉर्डिंग टू मेटल के होते हैं, जैसे मटेरियल पे हमें इसको यूज करना है तो उसी के हिसाब से ये बनाए जाते हैं। इसमें ग्रेन में तीन चार टाइप के होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन और वेरी फाइन ग्रेन। तो मीन्स बड़े पार्टिकल्स से छोटे पार्टिकल्स की तरफ सबसे पहले ये जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रेन की साइज है। तो बड़े पार्टिकल है, फिर छोटे पार्टिकल है, फिर और छोटे पार्टिकल है। तो जो कोरस है, जो कोरस टाइप है, वो सबसे बड़े शेप साइज के होते हैं। तो बड़े साइज के होते हैं तो उनकी जो नंबरिंग होती है वो कम से शुरू होती है, मींस उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो मिनिमम नंबर से होती है, और जो सबसे हाईएस्ट नंबर पे जाता है वो होता है सबसे फाइन। सबसे फाइन का मतलब है सबसे छोटे पार्टिकल्स। तो कोर्स की मैं बात कर रहा था तो उसके लिए ग्रेन का जो साइज होता है वो है मान लीजिए 10 है, 12 है या फिर 14 है। इसके बाद मीडियम टाइप है तो वो है 30 है, 46 है, 54 है। इसके अकॉर्डिंग ग्रेन के साइज को डिफाइन किया जाता है कि इस व्हील का ग्रेन साइज ये है, इस पे वो नंबर लिखा रहता है। या फिर फाइन ग्रेन्स की बात करूं तो मान लीजिए इस पे लिखा हुआ 80, तो 80 का मतलब बड़े से छोटे पार्टिकल्स है, फाइन है ये, और बहुत ही फाइन हो तो उसके ऊपर ज्यादा नंबर लिखे रहेंगे। ज्यादा नंबर से मीनिंग 220 है, 240 है, 280 है, तो मींस बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं ये। तो इस तरह से ग्रेन के साइज को डिफाइन किया जाता है। लास्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर से मीनिंग है कि ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स के जो ग्रेन्स हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े, इनके बीच में कितनी स्पेसिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग इनका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो दो टाइप के हमारे पास मेनली यूज किए जाते हैं, जैसे ओपन टाइप है और दूसरे हैं डेंस टाइप। ओपन टाइप का मतलब क्या हुआ, ये भी नंबरिंग से डिफाइन किए जाते हैं, इनके बीच में ज्यादा स्पेस, ओपन जैसे ये दिखाई दे रहा आपको। और दूसरे क्या है, डेंस टाइप मींस बहुत नजदीक हो, जैसे यहाँ पे ये पार्ट दिखाई दे रहा है और ये पार्ट, तो इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस है, तो वो चीज स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जब ये डेंस टाइप होंगे मींस इनके बीच में कम स्पेस रहेगा, तो इनकी नंबरिंग भी कम से स्टार्ट होगी, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और जब ओपन शेप में होते हैं मींस इनके बीच में ज्यादा गैप रहता है, तो ये होते हैं 9, 10, 11, 12, तो इस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है। तो ये था दोस्तों इसका स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील। थैंक यू दोस्तों।